सिर्फ खड़े होकर पानी को ताकते रहने से आप समुद्र को पार नहीं कर सकते। रविंद्रनाथ टैगोर। अलापुजा एलएपी दक्षिण भारत के केरल राज्य का सुंदर शहर है। शांति और फुर्सत के खूबसूरत लम्हे गुजारने के लिए एक खास जगह के रूप में मशहूर एलएपी को पूरब का वेनिस भी कहा जाता है। इसी शहर से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा प्यारा सा गांव है पुन्नप्रा। खूबसूरत समुद्र और नारियल के पेड़ों से ढका ये गांव समुद्री उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ के छोटे और गरीब मछुआरों का जीवन मानो समंदर के जल की तरह खारा हो चला था। क्योंकि छोटी सी बोट के कारण उन्हें बे इंतहा परेशानियां झेलनी पड़ती थी। वजनदार इंजन के चलते बोट को वो समुद्र में ठीक से घुमा नहीं पाते थे। कई बार प्रोपेलर में जाल फंस जाता था और बोट को किनारे पर लाने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। समुद्र में इंजन रुके नहीं, इसके लिए ईंधन यानी केरोसिन साथ में रखना मछुआरों की मजबूरी थी। इन सभी कठिनाइयों के कारण मछुआरों की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। तब पुन्नप्रा गांव का ही एक आम बोट मैकेनिक इन मछुआरों के लिए मानो मसीहा बनकर आया। इस मैकेनिक ने कड़ी मेहनत के बाद एक अनोखा बोट इंजन और प्रोपेलर इजाद किया। इस कमाल के आविष्कार से मछुआरों की सभी परेशानियां एक साथ खत्म हो गईं। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित इस बोट मैकेनिक का नाम है बी मोहनलाल। मोहनलाल ने कम क्षमता वाले डीजल इंजन के लिए एक रिवर्सिबल रिडक्शन गियरबॉक्स और हाथ से झुकाया जा सकने वाला जेड ड्राइव सिस्टम विकसित किया है। केरोसिन की बजाय डीजल संचालित इनबोर्ड इंजन सिस्टम से प्रतिदिन लगभग 60-70% ईंधन का खर्चा ही नहीं बल्कि प्रदूषण भी कम होता है। मोहनलाल को अपने सपने साकार करने के लिए पुरखों की जमीन बेचनी पड़ी। इतना ही नहीं, उन्हें अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा। अपने अनोखे आविष्कार के लिए आज दुनिया भर में नाम कमा चुके मोहनलाल का बचपन बहुत तकलीफों से गुजरा। मैंने अपना चाचा का वर्कशॉप में क्लीनर के रूप में 5 साल काम किया। काम पढ़ने के लिए अवसर मिला, रहने के लिए जगह मिला, खाने के लिए कुछ मिलता था और सैलरी 5 साल कुछ एक भी रुपया नहीं मिला। मशीन के साथ काम करने के जुनून ने उन्हें 5 वर्ष में ही हेल्पर, लेथ ब्लैकस्मिथ, मोल्डर और कुशल वेल्डर बना दिया। जब भी मेरे को हेल्पर का काम मिला उस टाइम दिन में 3 रुपया मेरे को पगार मिलता था, हफ्ते में 18 रुपया मेरे को मिलता था। 1987 में बोट ड्राइव और मोटर सिस्टम रिपेयरिंग के लिए उन्होंने कावेरी इंजीनियरिंग वर्क्स की शुरुआत की। समुद्र के नीचे मछली का जाल खोलने और फैलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रॉलिंग बोर्ड्स की मरम्मत भी मोहनलाल करने लगे। ।1990 के दशक के अंत के दौरान एक नाव मालिक ने एक नया ट्रॉलिंग बोर्ड बनाने के लिए उनसे संपर्क किया। उस ग्राहक को मोहनलाल पर इतना भरोसा था कि उसने 1,000 रुपए एडवांस उनके हाथ में थमा दिए और उन्हें एक नया ट्रॉलिंग बोर्ड बनाने के लिए कहा। इससे मोहनलाल का उत्साह बढ़ा और उन्होंने सिर्फ 5 दिन में नया बोर्ड बना दिया।
डिजाइनर और फैब्रिकेटर के रूप में मोहनलाल के लिए ये एक क्रांतिकारी मोड़ था। उनकी प्रसिद्धि नजदीक के गांवों और कस्बों तक पहुंच गई, जहां से उन्हें बड़ी संख्या में ऑर्डर प्राप्त हुए। उस समय उन्होंने अपनी वर्कशॉप में 18 कामगारों को काम पर रखा और 350 से अधिक बोर्ड बनाए। श्री मोहन को मैं 32 साल से जानता हूँ और इतना मेहनत आदमी है, और ये जो इंजन बनाने का वो कर लिया वो बहुत फायदेमंद है और मछुआरों के लिए ये सबसे बढ़िया चीज है। अपनी बोट में नियमित घूमने के दौरान उन्होंने आउटबोर्ड केरोसिन इंजनों वाली बोटों से जुड़ी समस्याओं को समझा और गरीब मछुआरों की पीड़ा को भी महसूस किया। मछुआरों को जीवन निर्वाह करने में आ रही दिक्कतों से भी वो वाकिफ हो गए। पारंपरिक बोट को लेकर मछुआरों को मुख्य रूप से चार परेशानियां सता रही थी। इस बोट को चलाने में खर्चा बहुत ज्यादा आता था। दिन भर समुद्र में रहने के बाद भी मछुआरों को ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे थे और केरोसिन से समुद्र में प्रदूषण बढ़ता था। समुद्र तट पर उतरने के दौरान प्रोपेलर में फंस जाने से जाल को नुकसान पहुंचता था। मोहनलाल ने इन समस्याओं के रचनात्मक समाधान की खोज करनी शुरू कर दी। उन्होंने मछुआरों को होने वाले मुनाफे और खर्चे का हिसाब लगाया। इंजन चलाने के लिए एक दिन में 30 लीटर केरोसिन की खपत हो जाती थी और बाकी का ईंधन ज्यादा दाम देकर खरीदना पड़ता था। इससे मछुआरों का खर्चा बढ़ जाता था। ഒരു ഡീസൽ എഞ്ചൻ മോഹനൻ ചേട്ടൻ ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആ ഡീസൽ എഞ്ചിനുമായിട്ട് ഞാനും സജി ഇതിനു മുമ്പ് ഭാര്യ പറഞ്ഞ സജി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ എഞ്ചിനെ ആ എഞ്ചൻ വെച്ചുകൊണ്ട് പണിക്ക് പോയി. ഒരു ദിവസം 500 രൂപ വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ നിന്ന് 200 രൂപ ചെലവും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ട് വ്യക്തിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കുമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ യാത്രാ ചെലവും കഴിഞ്ഞ് 100 രൂപ വീതം എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് അന്നത്തെ അന്നം മേടിച്ച് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. മറിച്ച് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ പണി മോശമാണെങ്കിൽ കെറോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എഞ്ചിനുമായി ഓടിക്കുന്ന എഞ്ചിൻ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ 50 രൂപ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇന്ന് ഈ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു എഞ്ചിൻ പണി വന്നാൽ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടു ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു എഞ്ചിൻ പണി ക്ലിയറാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 5,000, 6,000, 10,000 രൂപയിലധികം വേണം. ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാൽ നമ്മളത് കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 നോസിൽ മാറ്റി വയ്ക്കുകയോ ഒരു തുച്ഛമായ ചെറിയ തുക കൊണ്ട് നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഇത്ര ഹി നഹി मछुआरों को बड़ी मात्रा में केरोसिन को नाव पर ले जाना पड़ता था, जिससे नाव का वजन भी बढ़ जाता था। इस ईंधन से पानी प्रदूषित होता है और समुद्री जीवन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, जिसके कारण मछुआरों को कम मछलियां मिलती हैं। इसके अलावा स्थानीय बोट के इंजनों के साथ फिट किए जाने वाले गियरबॉक्स का तालमेल भी नहीं बैठता था। सही गियरबॉक्स ना मिलने पर मछुआरे बोट के प्रोपेलर को सीधे डीजल इंजन से ही जोड़ दिया करते थे, जिससे बोट को संभालना अधिक कठिन और खतरनाक हो जाता था। किसी भी गियरबॉक्स के बिना डीजल इंजन के साथ फिट किया हुआ लॉन्ग टेल प्रोपेलर बहुत ही महंगा पड़ता है और प्रोपेलर का 200 किलोग्राम से अधिक का वजन बोट की गतिशीलता को कम कर देता है। साल 2001 में मोहनलाल ने डीजल इंजन पर काम करना शुरू किया। उन्होंने इंजन के वजन को 83 से 63 किलोग्राम तक घटाया और बाद में स्टील पुर्जों की बजाय एल्यूमिनियम मिली धातुओं का उपयोग करके इसे 30 किलोग्राम से भी कम कर दिया। इसके बाद उन्होंने बोट की परफॉर्मेंस और उसकी गति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही समय में उन्होंने इसमें 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति हासिल कर ली। आगे और पीछे की ओर जाने के लिए मोहनलाल ने उसमें क्लचेस और 2 गियर लगाए, साथ में एक एग्जॉस्ट पाइप भी लगाया। इसी के साथ एक नया आविष्कार समुद्र पर तैरने लगा।
എൻ്റെ ഒരു 10-13 വയസ്സുള്ളപ്പം മുതൽ പോയത്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 39-40 വയസ്സായി. ഡീസൽ എഞ്ചിനകത്താണ് പിന്നെ 2 വർഷത്തോളം പോയത്. യമഹ എഞ്ചിനകത്ത് പോയതിനെക്കാട്ടി നേട്ടം എനിക്ക് ഡീസൽ എഞ്ചിനായിരുന്നു. 2 വർഷം പോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നേട്ടം എനിക്ക് കാണിച്ചു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നേട്ടമാണ്. जब समाचार पत्रों में मोहनलाल के नवाचार के समाचार प्रकाशित हुए तो केरल राज्य औद्योगिक निगम के निदेशक श्री पीएच कुरियन ने उन्हें उनके नवाचार के लाभों को समझाने के लिए आमंत्रित किया. राज्य मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए उत्पाद की संभाव्यता को देखते हुए केरल राज्य औद्योगिक निगम ने उन्हें एक शर्त पर 3 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया कि यदि ये परियोजना सफल हो गई तो वो विभाग को पैसा वापस कर देंगे. पी एक्सपीरियंस सर मेरे को 3 लाख रुपया दिया. उसका बाद मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस हुआ ये काम के साथ आगे जाने के लिए. उसको जो कमी हुआ इंजन को और प्रोपल्शन को वो मैंने पूरा कर दिया. 2-3 जगह में बोर्ड एक्सीबिशन के लिए मैं उसको लेके गया. उधर अच्छे से मेरे को रेस्पॉन्स मिला. 3 वर्ष से अधिक समय तक कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने कम क्षमता वाले डीजल इंजनों के लिए एक रिवर्सिबल रिडक्शन गियरबॉक्स विकसित किया. परीक्षणों के अगले चरण में मोहनलाल ने देखा कि बोट को समुद्र तट पर उतारते वक्त या उथले पानी में प्रोपेलर को नुकसान हो जाता था. मोहनलाल ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक जेड ड्राइव प्रोपेलर विकसित किया. बोट को किनारे पर लाते समय इस प्रोपेलर सिस्टम को 90 डिग्री तक ऊपर उठाया जा सकता है और प्रोपेलर को नुकसान होने से बचाया जा सकता है. मेरा इस इनोवेशन के लिए 30 लाख से अधिक रुपये खर्चा हुआ. मेरा घर बेच दिया. मेरा सामने वाला बाइसेंट लैंड वो भी बेच दिया. मेरा कार बेच दिया. फिर मैंने इसको इनोवेशन पूरा कर दिया. मोहनलाल की पत्नी श्रीदेवी ने अपने पति का हर पल साथ दिया. जब सारी दुनिया मोहनलाल के जुनून को पागलपन कह रही थी तब भी श्रीदेवी को अपने पति पर पूरा भरोसा था. आविष्कार के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी तो मोहनलाल ने अपना घर तक बेच दिया. तब भी श्रीदेवी ने अपने पति को उनका सपना पूरा करने में सहयोग दिया. കണ്ടുപിടുത്തിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുകയാണ് ഭർത്താവ്. വീട് ജപ്തിയായി. സാമ്പത്തികം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നാട്ടുകാരെല്ലാം പറയുന്നത് വട്ടാണ് ഭർത്താവിനെന്ന്. ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്. ഉൻകെ എഞ്ചിൻ കി കാര്യക്ഷമത കു ദേഖ്തെ ഹുയെ കോയമ്പത്തൂർ കെ ഏക് പ്രതിഷ്ഠിത എഞ്ചിൻ നിർമാത ELGI ഇക്വിപ്മെന്റ്സ് നെ ഉൻഹെ ഏക് സാഥ് 100 എഞ്ചിനോ ക ഓർഡർ ദേ ദിയ. सुनामी प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य के लिए ELGI ने मोहनलाल से गियरबॉक्स और अन्य सहायक उपकरणों की मांग की. इतने सारे इंजन एक साथ बनाने के लिए मोहनलाल को पैसों की सख्त जरूरत थी. लिहाजा उनके मित्र और पथ प्रदर्शक डॉक्टर बिनॉय कुरियन ने उन्हें पूरा आर्थिक सहयोग दिया. LG कंपनी ने रिवर्सिबल रिडक्शन गियरबॉक्स को मुझे 1800 पीस को ऑर्डर दिया हुआ मिला था. लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था टाइम पे देने के लिए. डॉक्टर बिनॉय ने मुझे ज़्यादा हेल्प किया. इसी दौरान मछुआरों के कल्याण के लिए केरल सरकार द्वारा स्थापित मत्स्य फेड सोसाइटी ने भी मोहनलाल के गियरबॉक्स में रुचि दिखाई. केरोसिन की सब्सिडी पर बहुत पैसा लग जाता था और केरोसिन पर चल रहे इंजन से मछुआरों को फायदे की जगह नुकसान ही हो रहा था. इसलिए मत्स्य फेड सस्ते विकल्पों की तलाश कर रहा था. मत्स्य फेड ने मोहनलाल को फील्ड ट्रायल्स और मार्केटिंग के प्रयासों में मदद देने का निर्णय लिया. इसी दौरान मोहनलाल नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया को अपने आविष्कार की प्रविष्टि भेज चुके थे. समुद्र में जब मछली पकड़ने के लिए जाते थे तो मछुआरों की एक बड़ी समस्या होती थी कि उनकी नाव किनारों तक नहीं पहुंच पाती थी. या तो जो समुद्र की रेत में उनके इंजन अटक जाते थे या आसपास के जो जाल हैं बाकी मछुआरों ने फैलाए हुए हैं उनके अंदर वो अटक जाते थे. तो मोहनलाल ने एक जेट ड्राइव बनाई जिसमें इंजन को ऊपर लिया जा सकता है जब वो किनारे तक पहुँचती है नाव. उससे काफ़ी मछुआरों को फ़ायदा हुआ और
एनआईएफ ने इसमें संशोधन किया, टेक्निक को परफेक्ट बनाया और अभी उसकी मदद से केरला में केरला गवर्नमेंट की एक कंपनी ने उसको अच्छा खासा 100 पीसेस का ऑर्डर दिया। बाकी जगह पे भी वो टेक्निक फैल रही है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मोहनलाल की इस तकनीक से देश भर की नहीं बल्कि दुनिया भर के जो छोटे मछुआरे हैं, जो छोटी नाव लेके समुद्र में जाते हैं, उन सबको फ़ायदा मिलेगा। NIF का वजह से मेरा प्रोडक्ट मार्केट में आया। मल्सेपट के साथ एग्रीमेंट करने के लिए वो सहायता किया, वो उसका बाद साउथ इंडियन फिशरमैन फेडरेशन से संपर्क करने के लिए NIF मेरे को मदद किया। मोहनलाल को साल 2009 में NIF के 5वें नेशनल बायनियल अवार्ड्स में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने सम्मानित किया। मोहनलाल को IMC इंक्लूसिव इनोवेशन अवार्ड्स 2013 से भी सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के रूप में था और उन्हें उनके नवाचारों के लिए दिया गया था। नवोन्मेष की भावना को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर नवोन्मेष गतिविधियों को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से 11 दिसंबर 2013 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनोवेशन स्कॉलर्स इन रेजिडेंस कार्यक्रम आरंभ किया गया। इस विशिष्ट कार्यक्रम में 2015 में मोहनलाल का चयन किया गया। मोहनलाल ने अपने मित्र डॉक्टर बिनॉय कुरियन के साथ मिलकर इस अनोखे आविष्कार के व्यवसायीकरण के लिए कुरमोस नाम की कंपनी बनाई है। Now Kerala, for that matter, has around 18,000 boats on this sector. 18,000 boats. When you convert a system from kerosene to diesel using Mohanlal system, each boat will have a saving of around 2,500 to 3,000 bucks. Let's say 2,800 bucks. Per boat per day. Now, when we talk about 18,000 boats in Kerala alone, okay, Kerala alone, that's very important. We are talking about a saving of about a little more than 5 crores per day. We are talking about only 200 days, working days in 365 days. Now, the saving for Kerala government alone is more than 1,000 crores recurrent. That is, every year the Kerala government saves more than 1,000 crore rupees on fuel. Now just think about the magnitude of this project. If we could implement this Mohanlal's, this system, this grassroots innovation to other states, the fuel saving is going to be huge. Mohanlal अपने इस आविष्कार से मछुआरों का जीवन बदलने के लिए सतत कार्यरत है। अब मोहनलाल अपनी पत्नी श्रीदेवी और अपने दो बच्चों के साथ एलएपी में रहते हैं। मोहनलाल का पुत्र रॉय अपने पिता से बेहद प्यार करता है। रॉय हमेशा से अपने पिता के साथ ही काम करना चाहता था, मगर मोहनलाल तो अपने बेटे को जीवन के एक सच्चे अनुभव से रूबरू कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रॉय को काम करने के लिए दुबई भेज दिया। लेकिन अपने पिता के प्रति लगाव रॉय को फिर भारत खींच लाया। अब रॉय अपने पिता के साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। रॉय अपने पिता को सफलता की नई ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। My father is a passionate person and he's creative and technical minded simple man. He faced a lot of ups and downs in his life. I admire him and I love him. I want to help him in his work and I want to fulfill all his dreams and I'm proud to be his son. Mohanlal ne ek baar phir sabit kar diya hai ki agar aapke bhitar himmat, aatmavishwas, lagan aur manobal hai to aap kisi bhi manzil ko pa sakte hain. Mujhe kashti par nahi, khud par bharosa hai itna. Kaam nahi aayegi kisi toofan ki saazish. नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन हमारे देश की और विशेषकर हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है।
जो देश भर में चाहे शिक्षित है चाहे कम शिक्षित है, लेकिन जिसने अपने मन की उत्सुकता के साथ कोई भी नई खोज की है, जिसको हम आज के युग में इनोवेशन का नाम देते हैं, ऐसे इनोवेशन करने वाले योग्य लोगों को एक प्रकार से प्रोत्साहन देता है, उनके इनोवेशंस को इकट्ठा करता है, उनके इनोवेशंस को शोकेस करता है, और फिर उन इनोवेशंस के माध्यम से कैसे देश का समाज का भला हो, पुरानी बहुत सारी अनसुलझी समस्याओं का समाधान हो, और आपकी इनोवेशन होने के बाद उसको सही स्थान तक शोकेस करने के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भी आपके लिए तत्पर है।